कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज नबरंगपुर उड़ीसा। जय जीवन दर्शकों, मैं हूं दिव्या और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक दिवस की प्रेरणादायक झलकियां। ये कार्यक्रम उड़ीसा राज्य के ऐतिहासिक शहर नबरंगपुर के इतिहास में प्रथम बार एक्सिस बैंक के पास स्थित श्री 108 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 10 से 14 नवंबर के मध्य आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों को परम पूज्य श्रमण मुनिषी 108 सुब्रत सागर जी महाराज, परम पूज्य श्रमण मुनिषी 108 प्रणय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य श्रमण मुनिषी 108 प्रणुत सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत 13 एवं 14 नवंबर के भक्ति आनंद से परिपूर्ण दृश्य। उड़ीसा राज्य के महानगर नबरंगपुर की पावन भूमि एक्सिस बैंक के पास स्थित श्री 108 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 10 से 14 नवंबर के बीच परम पूज्य श्रमण मुनिषी 108 सुब्रत सागर जी महाराज, परम पूज्य श्रमण मुनिषी 108 प्रणय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य श्रमण मुनिषी 108 प्रणुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस पंच दिवसीय आयोजन के चौथे दिन यानी 13 नवंबर को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। ओम ह्रीम से विश्वादे वीरांताञ्जलि निष्णप्यामा। ओम नमो अरहते भगवते प्रक्षीणा से दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वनाशनाय सर्वरोका मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकच्छद्रोवदो विनाशनाय सर्वच्छाम ठामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम रोम रहा असी आउसा नमः। शांति धारा के बाद मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर भगवान को अर्घ समर्पित कर मंगल कामना की। परम शांति दीजिए हम सबको पंडित ने पुण्य चार संग को। पूजे जिने मुकुट हार करी टला के इंद्रादि देव वर पूज पदाब जरा के तो शांतिनाथ वर वंश जगत प्रदीप मेरे लिए करें शांति शांति कर्म जननाश कर पायो केवल राज। शांति करो सब जगत में, शांति करो सब जगत में, शांति करो सब जगत में वृषवादिक जननाश। अगले क्रम में विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलन कर गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया तो वहीं श्रावक श्रेष्ठियों ने जिनवाणी जी भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ज्ञान की जलती है सम्यक ज्ञान की जलती है घर घर में चर्चा मेरे गुरुदेव की चलती है चरण गुरु के पखारों में घड़ी शुभ आज आई है। ओ वीरा देव की दुलारी मैं हूँ तेरा पुजारी माँ मेरी माँ मुझे तार जिनवाणी माँ शारदे से हमें तार दे। इस बीच सौभाग्यशाली श्रेष्ठ ने मंगलाचरण की प्रस्तुति देकर परिसर में भक्ति का रस खोल दिया। हारे 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 हम तो तुम पे हारे। अब समय था गुरुवर की अमृत वाणी का। सर्वप्रथम परम पूज्य श्रमण मुनिषी 108 प्रणुत सागर जी महाराज ने ज्ञान कल्याणक पर प्रकाश डालते हुए जीवन के सन्मार्ग को कुछ इस तरह समझाया। मान लो घर में आपने अच्छी नान रोटी और दाल मखनी बनाई और पूरा परिवार खा के चला जाए और कोई व्यक्ति ना चेहरे पे स्माइल रखे ना कोई व्यक्ति मुंह से बोले कैसा बना, अच्छा बना, बुरा बना, तो आप बताओ आपकी हार्ट बीट कैसी होगी। खाते समय कोई भी चेहरे पे मूवमेंट नहीं, आपको क्या लग रहा है। जब हम भोजन करते ना और हम लोग आहार करते ना नरेश भैया, तो हमें पता चल जाता कि किस माँ ने क्या बनाया। उसकी देने की स्टाइल बता देती कि गुरुदेव जी हमने बनाया, मुंह से बोले ना बोले। अब मानो हम खा रहे हैं दाल सब्जी रोटी हाथ में,
लेकिन अगर उसने रबड़ी बनाई तो बीच में बार बार रबड़ी दिखाती, गुरुदेव रबड़ी ले लो, गुरुदेव रबड़ी ले, हम समझ जाते कि। लेकिन आप सोचो कि जब आपने बनाया और सामने वाला खा रहा है और खाते समय उसके चेहरे पे कोई भी मूवमेंट नहीं है, आपको क्या लग रहा, आपका उस समय परिणाम क्या होंगे? और ऐसा एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, ऐसा एक महीने तक होता रहे। हकीकत बताऊं ना, इनको खाना बनाते बनाते ना खाना बनाने के प्रति जो उत्साह है ना, वो 0% हो जाएगा और एक महीने के ऊपर तो माइनस में भी चला जाए। वहीं परम पूज्य शमन मुनिषी 108 सुब्रत सागर जी महाराज के मुखारविंद से अमृत वर्षा कुछ इस प्रकार हुई। जिन जिन ने भी सिद्धत्व को प्राप्त किया है, जिन जिन ने भी मुक्ति को प्राप्त किया है, उन्होंने सर्वप्रथम वैराग्य शक्ति को वर्धमान करने के लिए तीर्थंकर प्रभु की पवित्र देशना को सुना है। क्योंकि जब तक गुरुओं की कहती है, जब तक हमारी जीवन में गुरु नहीं तब तक हमारा जीवन शुरू नहीं। जब तक हमारी जीवन में गुरु नहीं तब तक हमारा जीवन शुरू नहीं। एक संतान का जन्म होता है, एक संतान का जन्म होता है और संतान के जीवन में प्रथम कोई गुरु होता है तो उसकी माँ होती है। अब समय था ज्ञान कल्याणक प्रसंग का। प्रसंग के अनुसार महामुनिराज आदिनाथ को श्रावक श्रेष्ठियों ने आहारचर्या कराकर अपना जीवन धन्य किया। ओम प्रेम श्री विश्वनाथ मुनिन्द्र अत्र अवतर अवतर समोसटे त्याव नमः। जय हो, जय हो। ओम प्रेम श्री विश्वनाथ मुनिन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा स्थापन नमः। सभी व्यंजन बताए गए पर सारे व्यंजनों को संकेत से मना कर दिया, मात्र इच्छु रस के लिए संकेत हुआ, प्रभु ने इच्छु रस स्वीकार किया। जय हो। इच्छु रस का किया पारणा आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इस अवसर पर विशिष्ट जनों, अतिथियों एवं श्रावक चेष्टियों का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। अभिनंदन के बाद विशिष्ट जनों ने समव शरण का अनावरण किया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने समव शरण में गर्धर के रूप में विराजमान गुरुवर को नमन वंदन एवं परिक्रमा कर स्वयं को धन्य किया। प्रभु के समव शरण में अपने कल्याण के लिए तीनों लोकों से देव, मानव एवं दानव आते हैं। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। हम ज्योतिषवासी देव देवी हैं, ज्योतिष विमानों में हमारे निवास स्थान है, हमारा भी नियत कोठा है 12वीं सभा में। 12 सभाओं में अपने प्रकोष्ठ में बैठकर आपकी देशना श्रवण करके अपने ज्योतिष पर्याय को धन्य करेंगे। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। हे भगवन, आपके दिव्य समोसरण में हमारा अंतिम कोठा 12वां कोठा, हम अपने प्रकोष्ठ में बैठकर अपने त्रियंच पर्याय को बदलकर मनुष्य पर्याय हमें भी जल्दी से मिले, आपके देश न श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। अगले क्रम में विधानाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्रेष्ठियाँ समव शरण की पूजा अर्चना कर आरती उतारते हैं। ओम ने केवल ज्ञान रस विश्वादि महर्ष चतुर्थ चंद्र अत्र अवतर अवतर समुद्रत्य हवार नमः। अतः तिष्ठांत स्थाप नमः। ग्रहण चतुर्थ चंद्र भो जलम जलम निर्भवामिति। चौबीस महान वर्तमान काल के बोध उत्सव करो प्रमाद सर्व टाल के। ओम ने केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्थ चंद्र भो नैवेद्यम निर्भवामिति। समवशरण की आरती ओ तारों में लेके, समवशरण की आरती ओ तारों में लेके, श्री संवशरण की आरती ओ तारों में लेके, ओ तारों में लेके छवि निहारों में लेके, ओ तारों में लेके छवि निहारों में लेके। आरती के उपरांत
समप शरण में विराजमान गुरुवर समस्त जीवों के कल्याण हेतु दिव्य देशना देते हैं और श्रद्धालुओं की शंकाओं का समाधान करते हैं, जिससे तत्व का बोध हो, मन का निरोध हो, आत्मा का शोध हो, वही जिन शासन में ज्ञान संज्ञा को प्राप्त है। ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो क्रिया से संयुक्त हो। ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो आत्म कल्याण के लिए हितकारी बने। जिज्ञासा है उसका समाधान करें। मंदिर जी में कितनी वेदियां होनी चाहिए? एक तल पर विषम संख्या में वेदियां होना चाहिए और विषम संख्या में प्रतिमा जी विराजमान करना चाहिए। कि दर्शन करता है उसको करोड़ों उपवासों का फल मिलता है। ये आत्मोद्धारक प्रभुवर, प्रभु दर्शन से क्या लाभ होता है? त्रिलोकी नाथ जो महापुण्य के भंडार हैं, उनके दर्शन से हमारे पूर्व संचित कर्मों का क्षय होता है, आत्म विशुद्धि होती है, हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं और हमारे पुण्य के भंडार भर जाया करते। संध्या बेला में संगीत बद्ध स्वर लहरियों के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर मंगल भावना भाई। आरती के बाद भारत के कोने कोने से पधारे कवियों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। नवंबर से 14 नवंबर तक चले इस भव्य कार्यक्रम में समापन दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत तीर्थंकर के अभिषेक, शांति धारा एवं अर्घ समर्पण के साथ हुई। ओम हरे शांति नाथाय दुन्द्वी सत्वहात्रण दुन्द्वी सत्वहात्र सोमन पदुलाय श्यामलम बिंबीज शुद्ध शांति ग्रह नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम शांतिनाथाय छत्रत्त सत्वहात्रण छत्रत्त सत्वहात्र सोमन पदुलाय खमलम बिंबीज शुद्ध शांति ग्रह नमः सर्व शांतिम। स्वामी जिनेन्द्र अर्घन रूपमामिति बोलो परम पूजनीय सुब्रत सागर जी महाराज की। अब समय था मोक्ष कल्याणक प्रसंग का। सर्वप्रथम परम पूज्य शमन मुनिषी 108 सुब्रत सागर जी महाराज ने तीर्थंकर के मोक्ष गमन के सार को कुछ इस प्रकार समझाया। एक नर नारायण बनने वाला है और एक मानव महामानवता को प्राप्त करने वाला है। तीर्थंकर प्रभु का यह चरित्र, उनकी यह यात्रा हमको संदेश दे रही है कि हम भी यदि पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से हम भी उस शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं, हम भी उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जैन दर्शन में कहा है कि प्रत्येक आत्मा भगवान बन सकता है। जैसी परम सिद्ध परमात्मा कर्म कलंक से रहित सिद्धालय में विराजमान है, ऐसे ही परम परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। मात्र हमें अष्ट कर्मों का क्षय करके हमें उस सिद्धत्व को प्रकट करना है। ऐसे भी तीर्थंकर प्रभु पहले एक जीव मिथ्यात्व की श्रेणी से उड़कर के वह पुरुषार्थ करता है और मिथ्यात्व के टुकड़े करके वह मिश्र गुणस्थान को प्राप्त करता है। मोक्ष कल्याणक प्रसंग के अनुसार तीर्थंकर आदिनाथ कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन है, तभी अचानक अद्भुत ध्वनि के साथ प्रभु का शरीर कपूर की भांति अनंत लोक को गमन कर जाता है। भगवान
भगवान के मोक्ष गमन के बाद स्वधर्म इंद्र उनके शेष बचे नख एवं केश लाते हैं और अग्नि कुमार विधि पूर्वक नख एवं केशों का अग्नि संस्कार करते हैं। तीर्थे सूर्यंता महोत्सवी भक्ता नाद क्रीड जातम अनुचरिंदा सकलास्तमे नम यजे जलो दीर्घ पत्यम ओं गह पत्य पुनीताग्नि अर्घ्यम नृपपाम तिहे ओं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम अर्हंत इदम शांतिधारम गृहृतम गृहम अहम नमो भद्रम भवतु जगदम शांतिधारम निपातयामि शांति गध स्वाहा। अग्नि संस्कार के बाद श्रावक श्रेष्ठियाँ निर्वाण कांड का पाठ करते हुए मोक्ष कल्याणक की पूजा अर्चना करते हैं। ओम ह्री आषाढ़ शुक्ल सप्तम मोक्ष मंगल मणस नेमिना जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपपामते। ओम ह्री कार्तिक नमः मोक्ष मंगल मणस वर्धमान जिनेन्द्राय अर्घ्यं नृपपामते। अब समय था विश्व शांति महायज्ञ का। श्रावक श्रेष्ठियों ने मंत्रोच्चारण के बीच हवन में आहुतियां देकर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की भावना भाई। सर्वप्रदानाय नमः, अचलाय नमः, अक्षय नमः, अव्यवादाय नमः, अवलीनाय नमः, परमगुणाय नमः, परमकाष्ठ्य रूपाय नमः, अंतकरसिद्धेभ्यो नमो नमः, परम सिद्धेभ्यो नमो नमः, अनादि परम सिद्धेभ्यो नमो नमः, हरे जाताय नमः, दीर्घंताय नमः, वीतरागाय नमः। अगले क्रम में पुण्य प्रतापी परिवारों ने प्रभु एवं गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किए। एक बूंद से भर जाए इतनी छोटी सी गागर, पाद प्रक्षालन के बाद सौभाग्यशाली परिवारों ने गुरुवर को जिनवाणी जी एवं शास्त्र भेंट कर संगीत बद्ध स्वर लहरियों के बीच अर्घ समर्पण करते हुए नमन वंदन किया। भव सागर से वो पार हो जाए, भव सागर से वो पार हो जाए, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। परम पूज्य आचार्य गुरु विशुद्ध सेवन मनिंदाए मोहंत काय विनाशनाय दीपम निरपामते। ओम ब्रह्म परम पूज्य आचार्य गुरु विशुद्ध सागर मनिंदाए महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरपामते। ढूंढते रहते हैं आदि कल हमें आपके दर्शनों के बहाने, ढूंढते रहते हैं आदि कल हमें के दर्शनों के। इस बीच मंदिर निर्माण एवं कार्यक्रम की सफलता पर श्रेष्ठियों ने गुरुवरों के प्रोत्साहन कृपा एवं आशीर्वाद को कुछ इस तरह व्यक्त किया। नवरंगपुर का उनका ये एक सौभाग्य उन्होंने की वजह से ही प्राप्त हुआ। हमेशा भावना भाते थे, हमेशा जब पधारते थे ऐसी मूर्तियां बनवाना है, ऐसा मंदिर बनवाना है, ये करना है, वो करना है, बच्चों तुम्हें सम्मिलित होना है, पूजा करने आना है, आरती में आना है, शास्त्र पढ़ना है, इतनी इतनी बातें बताते थे हमें कि हम एक एक बातों को आज पूरे पंच कल्याण में याद कर रहे हैं। हमारे समझ रहते तो उन्हें कितनी खुशी होती। हमने ऐतिहासिक पंच कल्याण मनाया, ये तो हम सब सुन चुके। आज बच्चे बच्चे याद करते रहेंगे, पूरी जिंदगी भर वो लोग याद करते रहेंगे कि हमने इतना भव्य पंच कल्याणक मनाया। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य श्रमण मुनिश्री 108 सुब्रत सागर जी महाराज, परम पूज्य श्रमण मुनिश्री 108 प्रणय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य श्रमण मुनिश्री 108 प्रणव सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक दिवस की यादगार झलकियों का अवलोकन किया। पुनः बता दें कि यह कार्यक्रम उड़ीसा राज्य की प्रसिद्ध नगरी नवरंगपुर के एक्सिस बैंक के पास स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 10 से 14 नवंबर के मध्य आयोजित किया गया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा, हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सकल दिगंबर जैन समाज नबरंगपुर उड़ीसा।